वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। इंदौर शहर में यातायात को सुगम बनाने के साथ ही ऑटो रिक्शा चालकों को 4 डिजिट का ऐसा कोड जारी किया जा रहा है जो न सिर्फ ऑटो चालकों, यात्रियों और पुलिस चेकिंग के दौरान भी सुलभ होगा। बता दें कि इंदौर के कमिश्नर ऑफ पुलिस की मौजूदगी में नवाचार के लिए विशेष प्रयोग किए जा रहे हैं। मंगलवार को आयोजित हमारा लक्ष्य कार्यक्रम के दौरान शहर के ऑटो चालकों को APC नंबर प्रदान किया गया। इंदौर कमिश्नर ऑफ पुलिस हरि नारायण चारी मिश्र के मुताबिक अब नई व्यवस्था के तहत शहर के यातायात जवानों को QR कोड के जरिए सिटीजन कॉप में जोड़ा जाएगा। इसके तहत हर जवान कहां और किस स्थान पर ड्यूटी दे रहा है इस बात का पता आसानी से तकनीक के जरिए लगाया जा सकेगा और साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें नजदीकी क्षेत्रों में तुरंत जरूरत के हिसाब से भेजा जा सकेगा। इसके अलावा यातायात विभाग में पदस्थ जवान अपनी उपस्थिति भी तकनीकी के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि सिटीजन कॉप में एक और फीचर यातायात प्रबंधन मित्र फीचर जोड़ा जाएगा, उन लोगों के लिए लाभदायक होगा। यातायात प्रबंधन में अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बात की उचित जानकारी नहीं मिल पाती थी कि कहां संपर्क किया जाए, लिहाजा नए फीचर के जरिए वो सिटीजन कॉप में अपनी पूरी जानकारी देकर अपने चुने हुए नियत स्थान पर सेवा दे सकेंगे। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुलिस विभिन्न मंचों पर सम्मानित भी करेगी। यातायात सुधार को लेकर एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में यूनियन को बुलाया गया था, बोले थे कोई अगर दिक्कतें हैं आप लोगों को तो बताएं। सबसे बड़ी दिक्कतें ये आती थी कि ऑटो रिक्शा अगर 40 रुपये की सवारी तो उनको चार से पाँच चौराहे पर रोका जाता था, उससे परेशानी होती, सवारी का टाइम तो खोटी होता था, साथ में ऑटो रिक्शा ड्राइवर का भी टाइम बर्बाद होता था। आज शहर में जितने अवैध रिक्शा हैं, वैध कौन और अवैध कौन, जब भी कार्रवाई होती तो सभी रगड़ाते हैं। तो हमने पुलिस से निवेदन किया था कि कोई ऐसा यूनिक कोड, एक नंबर पता चल जाए और तो हम ऑटो रिक्शा ड्राइवर को चिन्हित कर सके। दिक्कत ये होती थी कि हमको कोई भी जो सवारी बैठती है वो कभी ऑटो रिक्शा का नंबर याद रखती नहीं है, तो ये यूनिक नंबर से ये होगा कि ऑटो ड्राइवर की संपूर्ण कुंडली आ जाएगी। अगर आपका बैग घूमा या एक्सीडेंट हो गया जो भी हो, आप सिर्फ यूनिक नंबर बताइए, यूनिक नंबर के बाद पूरी ड्राइवर की जन्म कुंडली आ जाएगी। और यातायात पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया और जितने भी ट्रैफिक पुलिस मुख्य तौर पर इसको तकनीक से भी जोड़ने का उद्देश्य है और साथ ही साथ इसको जनोन्मुखी बनाने का भी उद्देश्य है। अगर इसमें देखें तो कुछ उन पहलुओं के बारे में बताना चाहूँगा। पहला, कई बार अगर किसी की वाहन अगर चला जाता है, क्रेन से अगर उड़ जाता है गलत पार्किंग की वजह से, तो पता नहीं चल पाता है कि आखिर कौन गया या कौन सी एजेंसी, या उस व्यक्ति को कई बार लोगों से भटक के पूछना पड़ता है। इसको एक तकनीकी के माध्यम से जोड़ा गया है सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में। अगर टोड व्हीकल सर्च एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है जिसमें अगर हम जाते हैं तो जा करके वहाँ पर हम अपने उस व्हीकल का अगर नंबर डालते हैं तो नंबर से हम सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है और किस कारण से वहाँ से हटाई गई है, किस व्यक्ति ने हटाया है, सारी जानकारियाँ आपको एक सर्च पर, एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ जो ट्रैफिक के जवान हैं जब ड्यूटी में जाते हैं तो अपनी उपस्थिति को QR कोड के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। उनके मोबाइल से वहाँ पर जाने के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर जैसे ही वो QR कोड को सर्च करेंगे, उनकी उपस्थिति जो पुलिस के जो ट्रैफिक का जो डाटाबेस है उसमें चला जाएगा, उनकी उपस्थिति के साथ ही समय और सारी जानकारियां ऑटोमेटिक उसमें फीड हो जाएंगी। बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।